हम भी सपोर्ट कर रहे हैं आयांश बाबू के लिए, एक सॉन्ग गाए हैं हम जी उस पे, रुआ तारी माई लीलो ना बचाई आयांश बाबू के जानवा हो, रुआ तारी माई लीलो ना बचाई आयांश बाबू के जानवा हो, 16 करोड़ के बाटे दवाई अरे जूटे ना इतना धनवा हो, रुआ तारी माई लीलो ना बचाई आयांश बाबू के जानवा हो। आप देख रहे हैं N20 लाइव, मैं मिस्टर भगवान आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं भोजपुरी जगत के जो उभरता हुआ कलाकार है, जिनका नाम आतिश उजाला जी है, जिनको हम अपने चैनल पे एक बार स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मेरे तरफ से दिल से नमस्कार है, और आपके चैनल पे जितने भी पब्लिक देख रहे हैं उनको भी दिल से नमस्कार है, और भोजपुरी के जितने लोग दिल से प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं भोजपुरी को, हम सब लोग को नमस्कार करते हैं। आतिश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल होगा आपसे कि आप कितने दिनों से इस सिंगिंग लाइन में हैं? ऐसे तो हम लगभग 5-6 साल से सिंगिंग कर रहे हैं। हम 2011-12 साल के थे, 2012 साल के थे, तब से हम गा रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ उस शख्स मौजूद हैं जो जिसमें बचपना लोगों को भरी होती है, वो आज ये उस समय से सिंगिंग कर रहे हैं। चलिए, एक हमारा इनसे सवाल होगा, मेरा चैनल सीधे सवाल करता है जी, और सवाल इसलिए कर रहा है ना क्योंकि एक जंग छिड़ी हुई है भोजपुरी में, और उस जंग का नाम है अश्लीलता। तो अश्लीलता पे आपका कहना क्या है? कहना यही है कि बस आप लोग पब्लिक से बोल रहे हैं कि अश्लील, सबसे पहले आप लोग अश्लील सुनिए नहीं, क्योंकि आप लोग अश्लील सुनिएगा तो अश्लील गाने वाला तो कितना पैदा होंगे। तो बस यही बोलेंगे कि अश्लील को आप लोग रोकिए, और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि अश्लील को रोका जाए, क्योंकि भोजपुरी इतना, भोजपुरी का नाम खराब हो रहा है अश्लील सिंगरों के वजह से कि अब क्या बताएं हम। आप सिवान जिला के रहने वाले हैं? जी जी, सिवान जिला से ही प्रस्थान करते हैं। क्या आप सिवान जिला का नाम रोशन करेंगे अश्लीलता को लेकर के, जब बिना अश्लीलता से? नहीं, देखिए, अश्लीलता को भी रोकेंगे, और जो मेरे सिंगिंग करियर का जो बात है उसको तो हम एकदम सिवान जिला को लेकर आगे बहुत ले चलेंगे, और अपने गांव समाज को, गांव समाज का नाम रोशन करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप भी अश्लीलता गा के चाहेंगे कि हम भी ऊंचे आसमान में बैठ? नहीं नहीं भैया, जैसे कुछ सिंगर लोग बैठ चुके हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो भी मेरा एल्बम आया हुआ है पहले का, या फिर जो नया एल्बम आया हुआ है, आप उठा करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरा सॉन्ग देख सकते हैं जी। अधिकतर आपको सैड सॉन्ग मिलेगा और सामाजिक सॉन्ग मिलेगा। अभी तक आपने कितना एल्बम और कितना सॉन्ग किया है? लगभग हम सॉन्ग तो ऐसे 350-300 करीब कर चुके हैं जी जी। जो अभी फिलहाल मेरा 2 सॉन्ग आया है, नया रिलीज हुआ है। अभी एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, जो एक छोटा सा बच्चा 10 महीने का आयांश जी, जी आप भी सुनते होंगे, पूरे बिहार का एक लाल है, उस पे आप क्या कहना चाहिएगा, और अपने हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द बाबू आयांश के लिए गा के सुनाइए। देखिए, दरअसल जब से हम ये बात सुने हैं तब से तो हमको भी बहुत दुख हुआ है, और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं आयांश बाबू के लिए, एक सॉन्ग गाए हैं हम जी। उस पे आयांश बाबू का सब कुछ, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर सब डाले हुए हैं डिजाइनिंग पे, और एक गाना हम रिलीज किए हुए हैं। उस सॉन्ग को हमारे चैनल के माध्यम से आप मेरे दर्शकों को सुनाइए। एकदम हम सुनाएंगे। रुआ तारी माई लीलो ना बचाई आयांश बाबू के जानवा हो, रुआ तारी माई लीलो ना बचाई आयांश बाबू के जानवा हो, 16 करोड़ के बाटे दवाई अरे जूटे ना इतना धनवा हो, रुआ तारी माई लीलो ना बचाई आयांश बाबू के जानवा हो। बहुत बढ़िया सॉन्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बाबू आयांश के लिए, क्योंकि जब आयांश का नाम आता है ना तो रूह कांप जाती है जी जी, क्योंकि हम लोग एक बिहारवासी हैं, बिहारवासी हैं, और हम सब भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं सब लोग आयांश बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये अभी हम सॉन्ग आप लोग को सुना है, ये मेरे राइटर अमित आशिक जी लिखे हुए हैं। कौन से ऊपर आप गाए हुए हैं ये सॉन्ग, कौन से चैनल से और कौन किसके माध्यम से आया? ये जो सॉन्ग है
ये हम हाजीपुर में जाकर रिकॉर्डिंग किए हैं और चटकार भोजपुरी ऑफिशियल से आया हुआ है, हेलो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वहाँ से रिलीज हुआ है चटकार भोजपुरी ऑफिशियल, ये सॉन्ग उसी पे मिलेगा, चटकार भोजपुरी ऑफिशियल पे मिलेगा। बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, आयांश बाबू को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? बस हम यही कहेंगे कि जो भैया का चैनल है, आप लोग चैनल को भी प्यार दीजिए, हमको भी प्यार दीजिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को तो एकदम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बस और क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आतिश उजाला जी, जो हैं उभरते हुए कलाकार हैं, जो एक छोटे से जगह से, सिवान जिला से, एक छोटा जगह नहीं माना जाता, एक जिला का नाम रोशन माना जाता, और जो नाम रोशन करने के लिए ना मेरे भाई आतिश उजाला जी आ चुके हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, माँ से और सती से कहूँगा ना कि इनको इतना जगत में नाम करवा दीजिए ना माँ, कि एकदम सिवान जिला का उभरता हुआ नाम रोशन करिए, बस इससे ज़्यादा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें N20 लाइव पे मिस्टर भगवान के साथ। धन्यवाद।